आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को रिलीज करने की रिक्वेस्ट की थी बिहार की गवर्नमेंट ने और बिहार पुलिस ने, लेकिन क्या कुछ रिस्पॉन्ड किया है बीएमसी ने इस चीज पर, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि बिहार पुलिस ने और बिहार की सरकार ने रिक्वेस्ट की थी कि अब जबकि केस सीबीआई तक पहुंच चुका है तो अब आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को रिलीज कर दिया जाए और उन्हें जिस तरीके से आपने क्वारंटाइन करके रखा है उन्हें छोड़ दिया जाए, बीएमसी से ये रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन बीएमसी ने बड़े ही अजीब अंदाज से रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि हम उन्हें अभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये जो केस है इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमने उन्हें क्वारंटाइन किया है, लॉकडाउन किया है इन चीजों को देखकर जो भी सिचुएशन चल रही है। वेल, मैं आपको बता दूं कि बीएमसी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को रिलीज करने से, जबकि ये बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है और मुंबई पुलिस से लेकर बीएमसी से, बेसिकली मुंबई में जो भी चीजें हो रही हैं सुशांत के केस से रिगार्डिंग, हर चीज खुलकर एक गुंडागर्दी का पहलू दिखाया जा रहा है। इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मनमर्जी चलाई जा रही है। जी हाँ, हमारी सरकार है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, इस तरह का एक बिहेवियर नजर आ रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से। और जिस तरह का बर्ताव एक आईपीएस ऑफिसर के साथ आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है, ये कहना है ऑफकोर्स बिहार पुलिस का, बट जनता सब कुछ देख रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का जो एक बिहेवियर है ये हो रहा है मुंबई में सुशांत के केस से जो भी जुड़ रहे हैं उन सभी के साथ। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है इस चीज पर, जिस तरीके से बीएमसी ने मना कर दिया है उन्हें रिलीज करने से, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।